वहीं राजधानी में इन दिनों आग लगने की घटनाओं में तेजी आ गई है। पिछले 10 दिनों से कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलाके में आग लगने की घटना घटित हो रही है और अब आउटर दिल्ली के रानहोला थाना इलाके में फोम बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। क्योंकि फोम में आग तेजी से फैलती है, इस वजह से देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास तेजी से आग फैलने लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई और एक एक करके कुल 8 फायर टेंडर मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन कूलिंग का काम अभी जारी है। गनीमत रही कि आग की इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस भीषण आग में लाखों का माल जलकर खाक जरूर हो गया। ये अबाउट 3:40-3:41 में हमें कॉल रिसीव हुई और गाड़ियां, उस हिसाब से 8 गाड़ियां यहाँ मूव कराई गई। ये एक फोम बनाने की फैक्ट्री है जिसे आप देख रहे हो। नहीं, कोई अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली, कोई कैजुअलिटी नहीं है। आग के लगने के कारणों का कुछ ये कुछ कहना करना मुश्किल है, ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा क्या कारण था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।